गोली चलाने वाले बदमाश का पुलिस ने निकाला जुलूस। शराब के पैसे नहीं देने पर एक युवक पर चलाई थी गोली, पुलिस ने उसी जगह ले जाकर निकाला जुलूस। गुंडा बोला, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में शराब के पैसे नहीं देने पर क्षेत्र के कुख्यात बदमाश ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया था। वहीं पुलिस ने अगले दिन बदमाश को पकड़कर उसी जगह पर जुलूस निकाला और बदमाश से क्षेत्र में ठेले वाले और आम लोगों से हाथ जोड़कर माफी मंगवाई। बदमाश कहता रहा कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। दुकानदारों को सॉरी बोल, जिनकी वजह से धंधा खराब होता है। दरअसल परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में कल रात वाइन शॉप पर सोनू नामक युवक शराब खरीद कर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान क्षेत्र का लिस्टेड बदमाश विमल सेन ने उसका रास्ता रोका और शराब के लिए पैसे मांगे। जब युवक ने इसका विरोध किया तो पहले तो बदमाश ने अपने पास रखी पिस्टल से हवा में फायर किया और फिर सोनू को जान से मारने की नीयत से एक और फायर किया। गोली सोनू की आंख के पास छूकर निकल गई। उसे तत्काल MI अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी लिस्टेड बदमाश विमल के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने विमल को गिरफ्तार कर उसी जगह जुलूस निकाला जहां पर बदमाश ने गोली चलाई थी। बदमाश घुटनों के बल नजर आया। बदमाश विमल जुलूस के दौरान बोलता रहा कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। चलो ये नारा लगाओ वापस से। देखिए कल ये अंग्रेजी वाइन शॉप जो परदेसी बराबर है यहाँ पर ये बदमाश दारू पी रहा था, तो वहाँ पर एक नेहरू नगर के सज्जन थे, वो यहाँ पर आए सोनू लिहाने अपने लिए दारू लेने के लिए अपने जीजा के साथ में, तो इसने अड़ीबाजी की, उनसे पैसे मांगे, ना देने पर इसने फायर करा और एक फायर उनकी तरफ करा तो सोनू लिहाने को आँख के पास में छूकर गोली निकली थी। इस मामले में हमने 327-307 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया था और विमल नाई की तलाश की जा रही थी, तो आज हमको मुखबिर से इन्फॉर्मेशन मिली कि राजकुमार ब्रिज के पास में आया है, किसी से पैसे लेने के बाद फरार होने की फिराक में है। तो हम लोगों ने वहाँ घेराबंदी करी टीम के साथ में, जब इसको हमने वहाँ पे कैच करने का प्रयास किया तो राजकुमार ब्रिज पर ये इसने दौड़ लगा दी और जो सीढ़ियों से नीचे जाते हैं वहाँ से ये कूद के भागने लगा। भागने के दौरान कूदने में इसको जो है पैर में चोट आई, लेकिन हमने सभी ने अच्छा संख्या बल था हमारे साथ पकड़ लिया इसको, और पकड़ने के बाद में फिर इसको हमने इसका उपचार भी करा लिया है और इससे जो घटना में इसने जिस पिस्टल से फायर किया था वो पिस्टल भी इससे बरामद कर लिया और आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसका नाम विमल सेन है और इस पर 16 अपराध पुराने पंजीबद्ध हैं, उसमें मारपीट लड़ाई झगड़ा और अवैध गांजा पीना और उदयपुर में ये
अवैध चरस की तस्करी में भी गिरफ्तार हो चुका है 2006 से। ऐसे कुल मिला के 16 अपराध हैं और परदेसीपुरा में रहता है। और अभी 2018 से कोई अपराध नहीं था, लेकिन सडनली इसने कल इस तरह की घटना की, तो इसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। देखिए, चूंकि ये 2018 से इस पर कोई केस नहीं था, इसलिए प्रीवियसली कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सके हैं हम। अब चूंकि इसने अपराध कायम किया है, तो अपराध के बाद तो इस पर जेल में जाना ही है इसे, लेकिन फिलहाल ऐसा रासुका का इसका कोई सीन बनता दिखाई नहीं दे रहा। बदमाश पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं।